बहुजन मिशन की जो नायिका हैं उनसे बार बार मेरा झगड़ा होता रहता है। तो आज कुछ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए मैं, क्योंकि जब भी मीडिया वाले मुझसे मिलते हैं तो वही सवाल सबसे पहले पूछते हैं कि बहन जी ने आपके बारे में ये कहा, बहन जी ने आपके बारे में वो कहा। तो इस लड़ाई को आज ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है और मैं एक छोटे से गाँव छुटमलपुर में रहता हूँ। आज भी वहीं मेरा घर है। मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे वो। जो उन्होंने मुझे सिखाया अन्याय के खिलाफ लड़ना, मैं आज भी पूर्ण मजबूती से उस अन्याय के खिलाफ, वो जो देश में एक विरोध है बहुजनों के खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने भीम आर्मी का निर्माण भाजपा के कहे से नहीं किया और ना ही भाजपा वाले भीम आर्मी के निर्माण के समय मुझे जानते थे। एक बोर्ड से और उससे पहले स्कूल की लड़ाई से भीम आर्मी का निर्माण हुआ और वो लड़ाई हमारे अधिकारों की थी, हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान की थी और हमने उस लड़ाई में पीछे हटने से अच्छा लड़ना स्वीकार किया। तो इस जगह से भीम आर्मी का निर्माण हुआ और इस निर्माण के बाद सैकड़ों आंदोलन, चाहे वो रोहित भाई का मामला, चौना भाई ऊना का मामला, कुछ कितने ही धरने और आंदोलन हम लोगों ने किए, मुकदमे झेले, जेल काटी। जब शब्बीरपुर मामला हुआ तो जब हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो मैंने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। 9 तारीख के बाद सबसे ज़्यादा मुकदमे मुझ पर लगे, मैं जेल गया 21 तारीख की रैली करने के बाद और 16 महीने मैं लगातार जेल में रहा, लगभग 560 दिन के करीब। और हर रोज जब भी सुबह अखबार आता था तो मेरा एक प्रयास रहता था कि मुझे लगता था कि आज बहन जी हमारा समर्थन करेंगी, आज बहन जी सरकार को धमका के कहेंगे कि वो हमारे ही बच्चे हैं और उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी थी, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, इनको छोड़ दीजिए, इनको ना सताया जाए। बड़े प्रयास के बाद भी, बड़ी उम्मीदों के साथ भी ऐसा कोई अखबार जेल में नहीं आया। जिस सरकार का, जिस पार्टी का एजेंट होने का मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता है, उस पार्टी ने मुझे जेल में रखा, उसने मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाए, उसने 8 महीने मेरा इलाज नहीं होने दिया और जेल में इतना अच्छा जीवन नहीं जेल का, एक एक दिन मैं कैसे तड़पा हूं मैं जानता हूं। तो मुझे उम्मीद थी कि बहन जी आज समर्थन करेंगे, कल करेंगे, लेकिन बहन जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। थोड़ी निराशा भी थी, लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने पहले दिन से बहन जी के प्रधानमंत्री पद का समर्थन किया और बसपा का कट्टर सपोर्टर होने की बात कही और इसके एवज में मुझे मिला कि मैं भाजपा का एजेंट। तो मुझे उनसे आज भी कोई नाराजगी नहीं। फिर बहन जी ने और कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो बीएसपी में जाकर राजनीति कीजिए, बीएसपी के बैनर के नीचे कीजिए। बहन जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन मुझे साहब गांधीराम ने सिखाया कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक क्रांति की जो गति वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये चाहता था कि बहन जी पीएम बने और आज भी चाहता हूं, तो मैंने बहन जी के कहने के बाद प्रयास किया, 4 से 5 बार प्रयास किया फोन करने का और ये जानने का कि किस तरह से इस लड़ाई में हम क्या भूमिका अदा करके आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फोन पे हमेशा जो है यही कह दिया गया कि बहन जी बिजी हैं, वो भी जब फ्री होंगी तब बात करेंगे। तो मेरा प्रयास रहा कि मैं इस लड़ाई को और मजबूत कर सकूं बहन जी के साथ खड़ा होकर। तो इसमें भी हमें निराशा हाथ लगी। अब सवाल है बनारस चुनाव का, ये भी लोगों को जिज्ञासा कि बनारस चुनाव में मैं लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं। किसी भी कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है और बनारस चुनाव के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है, आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश में काम करता है। तो जब भी कहीं एट्रोसिटी का कोई मामला होता है या कहीं अधिकारों के हनन की बात आती है तो भीम आर्मी में काम करने वाले बहुजन नौजवान जो समर्पित है समाज के प्रति, मिशन के प्रति, साहब काशीराम के मूवमेंट के प्रति, तो वो आवाज उठाते हैं, वो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे 2 अप्रैल में हुआ, जैसे 5 मार्च हुआ। और इसके एवज में उन्हें, उनका कैरियर तो खराब होता है लेकिन उनको जेल में जाना पड़ता है, मुकदमे लगते हैं। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है। तो उन सबकी ये मांग थी, उन सबका एक बड़ा दबाव था कि भैया जब ये सब चीजें होती हैं तो अपने दल तो हम एजेंट घोषित कर चुके हैं लेकिन और कोई तो हमारे समर्थन में नहीं आता, ना कोई नेता आता ना कोई पार्टी आती। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है जो दब जाती है इतने बड़े मुकदमों उत्पीड़न के बाद भी, कि आप जाके लोकसभा में हमारी आवाज उठाएं। क्योंकि जब संविधान जल रहा था तो 131 एमपी थे एसएससी के, लेकिन कभी उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। तो उनके दबाव के चलते निर्णय लिया गया, क्योंकि आज भी बहुजन समाज के युवा रुकना नहीं चाहते। आज भी जब हमारे लोगों पर उत्पीड़न अत्याचार होता है, उनके अधिकार छीनते हैं, तो वो लड़ते हैं।
वो उनके उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मैंने निर्णय लिया कि हम लोग बनारस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बनारस चुनाव भी मेरे लिए जो है बड़ा कठिन साबित हुआ। मेरी घोषणा के बाद जब मैं वहाँ कन्वेंशन के लिए गया तो बहन जी ने ट्वीट करके कहा कि बता दो जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ तो उसकी रखवाली भी करता हूँ। तो मैं अपनी बात पे कायम रहना चाहता था, मैं अहंकारी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ईगो फैक्टर से ग्रसित हूँ। लेकिन अगर मेरी वजह से मोदी जीत जाएगा तो मैं ये भी समझता हूँ बहुजन मूवमेंट में कि फूट से लूट होती है, तो जो लोग फूट करेंगे उसका उसकी लूट का फायदा भाजपा ना उठा ले। तो मैंने निर्णय लिया क्योंकि मेरा अंतिम उद्देश्य है और स्पष्ट है कि मैं मोदी को हारते देखना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे।